बहराइच जनपद के कोतवाली देहात इलाके में बुजुर्ग दंपत की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। मौके पर छत विछत शवों को देखकर लोगों के दिल दहल उठे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहात कोतवाली इलाके के बहादुरपुरवा गांव के बाहर सरदारपुर में अपने मुर्गी फार्म पर सो रहे पति पत्नी की कातिलों ने हत्या कर दी। इस मामले में मृतक दंपत्ति के पुत्र यूसुफ का कहना है कि मेरे परिवार की किसी से दुश्मनी नहीं है। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी केशव कुमार चौधरी फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देहात कोतवाल को दोहरे हत्याकांड के खुलासे के कड़े निर्देश दिए हैं। एसएसपी केशव कुमार चौधरी ने मीडिया को बताया कि घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुरा में एक 65 वर्ष के व्यक्ति की उसकी पत्नी के साथ जब वो अपने मुर्गी फार्म पे सोए हुए थे तो रात में 1 बजे तक उसके परिजन उनके साथ थे। उसके बाद जो है उनकी दोनों की ही गला काटकर हत्या कर दी गई है। उनके परिजनों को सुबह में सूचना मिली, फिर उन्होंने पुलिस को बताया। इस सूचना पर जो है उन्होंने अभी किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है। अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी है जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। मेरे पिताजी मम्मी फार्म पर रहती थी, फार्म का मुर्गी उर्गी का काम देखते थे। शाम में जो है खेत धान का बिया जो है उनको बोना था, मैं 9 बजे तक वहाँ था। 9 बजे के बाद वो जो है बिया बोने के लिए खेत में चले गए, मैं चला आया घर पे खाना खा के सो गया। तो रात में कब आए हैं खाना खाए, बड़े भाई के साथ में आए खाना खा के कब ले गया छोड़ ले मुझे पता नहीं है।